और भी नहीं है, बहुत कुछ है, पूरी अलमारी इनकी किताबों से भरी हुई है। पूरी में किताबों से भरी है, और ये बहुत कुछ है जो कि आप होम टूर में देख पाएंगे, उसके पर बारे उसके में लिए आपको पहली वाली वीडियो को 100 लाइक लाइक करने करने पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू देसी ब्लॉगर्स। सुबह के 7 बज चुके हैं और आपको देख के लग रहा होगा आज मेरा मैच है, तो मैं मैच खेलने जा रहा हूँ। तो आप जीतना ही है गाइस, आप दो दो मैच से लगातार हार रहा हूँ, आप कोशिश पूरी होगी जीतने की, तो देखते हैं क्या होता है। मम्मी और रितु शोर सो ही रहे, अभी उठेंगे, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, कल रात में बारिश हुई है, अभी फील्ड पे देख के पता चलेगा फील्ड कैसी है, तो जाते हैं देखते हैं फील्ड की कंडीशन कैसी है। बोलते रहे लोग सही है, अभी मैच हो सकता है। सैटरडे मॉर्निंग, तो सैटरडे मॉर्निंग को मैं पूरा घर साफ करती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा घर साफ करने का, मैं कुछ कुछ पार्ट्स तो साफ करते रहती हूँ रोज, पर पूरा घर साफ करने का मुझे सिर्फ सैटरडे और संडे को टाइम मिलता है, तो संडे को हाउस हेल्प आती नहीं है, इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि सैटरडे को सब साफ कर दूँ, एकदम क्लीन कर दूँ, ताकि संडे को सिर्फ मतलब जो नॉर्मल एज यूजुअल काम होते हैं, झाड़ू पोछा, वही बचे मेरे पास। तो मैं अभी किचन साफ करने लगी हूँ, तो फिर साफ सफाई करने के बाद अभी नाश्ता बनेगा। तो गाइस अभी मैं नहा धो ली हूँ, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। नहा धो के एकदम फ्रेश होने के बाद बहुत जोर से भूख लग गई है, तो ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है हेल्दी दलिया। तो दोस्तों आज फिर रिजल्ट वही रहा, मैच हार गए, लेकिन आज किसी अपोनेंट के साथ नहीं था, अपने क्लब की दोनों टीमें थी, तो प्रैक्टिस टाइप का मैच था, अच्छा मैच था, लेकिन एंड में वही रहा, हार गई हमारी टीम। एक्चुअली नई टीम है हम लोग की, तो थोड़ा टाइम लग रहा है सेटल होने में, एक बार सब सेटल हो जाएंगे जीतना शुरू करेंगे, ये अभी स्टार्टिंग फेज है। तो आप बने रहिए हमारी जर्नी में, आपको अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ फ्लैट पे हार के फिर से एक बार, और ऋतु लंच बना रही है इस समय। मेथी वाली रोटी बन रही है, मेथी ज्यादा और आटा कम रखने की कोशिश करती हूँ, उससे मेथी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है रोटी में, और जो आटे आटे मतलब आटा होता है वो भी कम जाता है, मतलब सब्जी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आलू मटर से, झटपट बनने वाली एकदम कुकर में। जैसा कि देख रहे हैं आप गैस, ऋतु भी बहुत एकदम खाना बहुत बढ़िया बना लेती है एकदम, और बहुत जल्दी बना लेती है, तेजी से बनाती है, काम करती है। ऐसी ऐसी रेसिपीज हम लोग सोच रहे हैं कुछ कुछ हेल्दी रेसिपीज भी डालना शुरू करें, क्योंकि कुछ कुछ नहीं गैस, मैंने अभी ठान लिया है कि मैं हेल्दी ही खाऊंगी, अभी मैं कुछ अनहेल्दी नहीं खाऊंगी, और घर में बनाऊंगी भी हेल्दी ही हेल्दी, मतलब हेल्दी मतलब ये नहीं कि सैलेड वैलेड ये वो, हेल्दी मतलब कि अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज बट इन अ हेल्दी वे, जैसे राजमा हो गया, तो बहुत कम उसमें, बहुत कम ऑयल में राजमा की अच्छी अच्छी रेसिपीज, मतलब बहुत बहुत टेस्टी टेस्टी डिलीशियस डिलीशियस चीजें भी आप बना सकते हैं जो कि हेल्दी भी हो, तो ट्राई करूंगी मैं, क्योंकि हम दोनों का ही गोल है कि अभी अभी बहुत हो गया हंसी मजाक, अभी हम लोग को थोड़ा काम करना पड़ेगा। मेरा हंसी मजाक बच्चा है गाइस, अभी इसका ज्यादा हो गया थोड़ा सा। बस अभी लंच बन जाएगा, लंच कंच करके फिर निकलते हैं, आज थोड़ा सा बाहर जाने का प्लान था, जैसा कि आज सैटरडे है, ऑफिस की छुट्टी है, खेल के आए हैं, थोड़ा रिलैक्स करने मन कर रहा है, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि आज थोड़ा सा कोई बुक उठाई जाए पढ़ने के लिए, बहुत दिन हो गया रीडिंग नहीं की, और आप देख सकते हैं बुक कलेक्शन मेरा और भी है, मतलब और भी है, जब फुल होम टूर देंगे तो ऋतु आपको सब कुछ दिखाएगी, लेकिन अभी सोच रहा हूँ मैं और भी नहीं है, बहुत कुछ है, पूरी अलमारी इनकी किताबों से भरी हुई है, पूरी में किताबों से भरी है, और ये बहुत कुछ है जो कि आप होम टूर में देख पाएंगे, उसके बारे में उसके लिए आपको पहली वाली वीडियो को 100 लाइक करने पड़ेंगे। पहले वाली वीडियो नहीं, आप जो भी उसके बाद भी डाल लेंगे उस पर 100 लाइक, जिस वीडियो पे 100 लाइक आ जाएंगे उसके बाद आपको होम टूर मिल जाएगा, और डिटेल मिलेगा कि हम लोग बताएंगे हम लोगों ने चीजें कहाँ कहाँ से ली है, छोटी छोटी चीजें, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, जो डेकोरेशन आइटम ऋतु ने लिए हैं, ऋतु ने खुद लिए हैं, पूरा श्रेय इनको जाता है घर को सजाने का, तो वो सब हम आपको बताएंगे। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ आज पढ़ी जाए,
एक्चुअली मैं आधे ज़्यादा पढ़ चुका हूँ और बहुत ज़्यादा पसंद आई है मुझे। मतलब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल, कुछ लोगों को प्रैक्टिकल नहीं लगती है, कुछ लोगों को प्रैक्टिकल लगेगी भी। बहुत सी चीज़ें हैं इस बुक में। दोस्तों खाना बन चुका है, लंच वंच कर रहे हैं हम लोग बैठ के आराम से। खाना बहुत अच्छा बना, बहुत टेस्टी है। और हम बैठ के अपने फेवरेट यूट्यूबर का व्लॉग देख, संभावना सेठ एंटरटेनमेंट, हम लोग संभावना सेठ एंटरटेनमेंट को देखते हैं, बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं। एक इंस्पिरेशन है वो, समझ लीजिए हम लोग के लिए। मतलब और भी ब्लॉगर्स हैं, लेकिन इनसे भी, इनका इनका भी देख के काफी सीखे हैं हम लोग। तो फ्लाइंग बीस्ट, संभावना सेठ एंटरटेनमेंट, बेसिकली यही लोग मुंबई। मैंने तो सबसे पहले मुंबई कर निखिल से शुरू किया था। आपने सबसे पहला व्लॉग किसका देखा था? संभावना का, फिर फ्लाइंग बीस्ट का। संभावना ने ही रिकमेंड किया था फ्लाइंग बीस्ट का व्लॉग, तो मैंने वहां से फ्लाइंग बीस्ट का देखना शुरू किया था। फिर सौरव जोशी के व्लॉग्स देखना शुरू किए थे। ऐसे देखते देखते बहुत सारे व्लॉग्स हो गए। तो दोस्तों आज फिर हम लोग ट्यूनिंग कर लिए हैं, आज ब्लैक से ट्यूनिंग हुई है और हम मम्मी को दिखाने जा रहे हैं। उसका थोड़ा घूमे फिरेंगे किसी मॉल वॉल में, उसके बाद आएंगे। तो ये आज का प्लान है हम लोग का। स्पोर्ट्स लुक है, ऋतु का स्पोर्ट्स लुक है। दोस्तों इस समय हम लोग आ चुके हैं मॉल में, कोरमंगला में। इस समय हम लोग नेक्सस मॉल में मम्मी को घुमाने लाए हैं। मम्मी बेंगलोर पहले मॉल आई हैं, अभी देखते एक्सपीरियंस कैसा रहता है इधर। हम लोग भी पहली बार आ रहे हैं इधर। ऋतु शॉपिंग करने आ गई हैं, ऋतु और मम्मी, मम्मी को दिला रहे हैं। ये औरतें शॉपिंग करते करते थकती नहीं, थकती क्यों नहीं है गाइस, कमेंट करके बताइए जरा, इसका कोई सोल्यूशन है क्या? अच्छा रहेगा मम्मी, सब अच्छा रहेगा। अपना देखो तुम, कुल्फी ट्राई कर रहे हैं, मैंगो कुल्फी कैसी है? बढ़िया है। स्पेशल कोकोनट पुडिंग मैंने खाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब ऋतु और मम्मी ट्राई करेंगे, बताएंगे कैसी है। बहुत सॉफ्ट, एकदम बिल्कुल जनवाज लगती है, अच्छी लगी मम्मी को। क्यों खा ला? ना पहली बार टाको बोल के टाको ट्राई कर रहा हूँ, पहली बार टाको ट्राई करने जा रहा हूँ। तो मैंने ये टाको मंगाया है, इसका नाम है चालुपा, इसका मतलब पता नहीं क्या है, लेकिन अभी देखते क्या है। बाकी सब में हमको ज़्यादा हरा वाला दिख रहा था, इसमें थोड़ा सा मुझे लाल लाल, इसमें भी सैलड सी है, थोड़ा चीज लग रहा है, टमाटर है, प्याज है, देखते खाने में कैसा है। बहुत मजा तो नहीं आया देख के इसको, पहली बार मैं टाको देख रहा हूँ। एक्सपेक्टेशंस क्या थी आपकी? एक्सपेक्टेशन मतलब ये तो लग रहा है भटूरे को ये तो लग रहा है भटूरे में भटूरे को मोड़ के इसको बना दिया है। जो भटूरे के साथ सैलेड मिलता है वो भर दिया है इसमें, मोड़ देते। सूखा सूखा है अंदर से, बहुत चटपटा भी नहीं है। इससे अच्छा तो मेरा वो बर्गर किंग वाला जो वेज क्रिस्पी बर्गर होता है वो लगता है हमको। गाइस हम लोग घूम फिर के आ गए मॉल में, शॉपिंग वॉपिंग हो गई है, खाने का मन नहीं कर रहा है। तो गाइस देखिए मेरे सोफे पे ये ऐसे बैठे रहते हैं, इसको बैठना बोलते हैं, लेटना बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हम लोग मॉल से शॉपिंग वॉपिंग करके आ गए हैं। आज किसी खाना खाने का मन नहीं था तो कोई खाना नहीं खाएगा। उसी के साथ आज का व्लॉग खत्म करते हैं, हम लोग जल्दी सो जाएंगे आज। तो फिर डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज देसी व्लॉगर्स। और इसी के साथ शुभ रात्रि, जय श्री राम, हर हर महादेव, प्रभु कृपा बनाए रखिए आप सबके परिवार पर। बाय।